अंतरात्मा से आवाहन, अंतरात्मा से स्मरण और अंतरात्मा से स्वच्छ मन, पवित्र मन से आपका स्मरण कर रहा हूँ, कर रही हूँ। भगवान गणपति जी और भगवान शिव परिवार का ध्यान करना है। शिव परिवार में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कार्तिक भगवान शिव और महादेव भोलेनाथ का पूरे परिवार का ध्यान करना है, स्मरण करना है। पंडित जी शांति पाठ बोलेंगे। हरे ओम माहे बसो मम आहम जाने गर्भधम त्वम जासि गर्भधम आनो भद्राहा क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरेता। विदेवता ध्यानार्थे आवनार्थे प्रसन्नार्थे पूजनार्थे अक्षतम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सः श्री गणेशामि गाभ्याम नमो नमो नमः। लेफ्ट हाथ में चावल लीजिए, लेफ्ट में आप लीजिए भाभी जी, लेफ्ट में लेना है और राइट से मृग मुद्रा से, इस मुद्रा से आपको नमः करते हुए छोड़ना है। ओम श्री मन्नो महागणाधिपते नमः। ओम वृंदाभ्याम नमो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमो नमः। ओम एतत् कर प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे भवता सभो मेघुम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। यहाँ पे सर यहाँ एक मिनट सर खड़े रहिए, आप भी आइए सर, फोटो ले लेते हैं, फोटो ले लो। यस यहाँ देखिए, बहुत जय बाबा, जय आप भी प्रसाद लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय फोटो ले लिया शाम। अनिल जी खुद यहाँ पे मौजूद है और वो राजी हुए आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शशि जी आपको आता है करूया। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो श्री राम, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए देवा तारा बलम चंद्र बलम बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बढ़िया सीतारा जी जला। ये हमारा पहला प्रोडक्शन हाउस का लोगो, थोड़ा पैकिंग की वजह से। हाँ जबरदस्त पैकिंग। ये प्रभुकुंज प्रोडक्शंस जी, स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न जी, जो विवाद का नाम था, मुझे
मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मुझे मिला आपके यहाँ रजिस्टर करने के लिए। तो ये दो ऐसे प्रोडक्शन आज हाउस आज लॉन्च किए हैं। तो इतने बड़े दिग्गज आज आए हैं। सुधीर जी के सेक्रेटरी और मैनेजर है हेमंत जी। कैसे हैं आप जी? उन्होंने एक मैसेज भेजा है तो बाद में प्लीज आए जी। जी चलिए, थैंक यू सर जी। एक ही सर, थोड़ा बाहर सर, आप बाहर। यस थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर जी, जी। और सुदेश जी आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश अर्जेंट फैमिली के कुछ फंक्शन की वजह से वो आ नहीं सके, तो उन्होंने बाइट भेजा है, वो बाद में हम उसको शो करेंगे स्क्रीन पे। Okay. प्ले करेंगे उसको। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं हमारे इनॉग्रेशन के दूसरे छोर की तरफ जहाँ पे यूट्यूब चैनल और गानों का लॉन्च किया जाए जी। जी आप प्लीज। जब मैं मेरे कार्यक्षेत्र में शुरू काम करने लगा, कंपनी के कार्यक्षेत्र में जहाँ मैं रहता था, तो विनय जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, शायद सब कुछ सिखा दिया। विनय जी मेरे लिए पिता का रोल करते, बड़े भाई का रोल करते थे, दोस्त का रोल करते थे, मार्गदर्शक का रोल करते थे, और ये बहुत ही एकदम बहुआयामी व्यक्तित्व है। उनका एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी ये था, सेटअप था, और मतलब हर सुख हर दुख में वो साथ रहे हैं। जब मेरी माँ गुजरी थी तब सवेरे सबसे पहले वही पहुंचे थे, तो ऐसे मतलब हर सुख दुख में साथ रहे। तो आज विनय जी आए, आज मुझे वो कैमरा शायद थोड़े बोले मुझे, मैं कैमरा के सामने आना नहीं चाहता, लेकिन जो मान सम्मान देना चाहिए उनको वो तो देना है, और आज वो आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति प्लीज कम। तो हम अब आगे चलते हैं। अब मैं विनय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो पोस्टर है उसको लॉन्च करें। तो हम एक काम करेंगे, अब जो पोस्टर है उसको हम लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करने के बाद लिरिकल वीडियो का जो यूट्यूब चैनल है उसका लॉन्च होगा वीडियो के प्ले के साथ। ठीक है, तो हम आदरणीय सुदेश भोसले जी का भी एक मैसेज है। तो अमर जी कदी थे अपन चालू है गाने नंतर का बोलता पोस्टर न, प्रवीण आए ना तिकड़े, तो पहले हम पोस्टर लॉन्च करेंगे, उसके बाद आदरणीय सुदेश जी का हम मैसेज देखेंगे, उसके बाद हम गाना लॉन्च करेंगे। जी ठीक है, चलिए ठीक है, चलो अयोध्या जाएंगे। चलो मैं सुदेश जी को पोस्टर के साथ, बाबूराम के पोस्टर के साथ, अधिकारियों के साथ स्वागत कर रहा हूं। तो धन्यवाद विनय जी, आप आज रहे प्लीज। थैंक यू, बहुत ही अच्छे मित्र है, और जिस कंपनी में मैं था पहले वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह से कार्यरत है, एक अच्छे पोस्ट में है वो, और बहुत लोगों के लिए बहुत सी बातें करते हैं वो, उनको लोगों को मदद करने के लिए जो भी उनके पास आता है। तो आज वो आए हैं, तो उनसे मैं वीडियो सॉन्ग का जो है वो लॉन्च कराना चाहता हूँ। वहाँ आके सचिन जी वीडियो सॉन्ग का लॉन्च करेंगे, तो सचिन जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये किया है। और इसके पहले एक मिनट मेरे से एक ये रही, विनय जी प्लीज आप आइए ना स्टेज पे, सॉरी किया ये इन्होंने एक्चुअली किया, उन्होंने मेरा खुद का इंग्लिश इम्प्रूव किया जो मुझे चाहिए, जरूरत है,
उसने मेरे को ड्राफ्टिंग सिखाया और उसे आज मैं असिस्टेंट मैनेजर करके जो कार्यरत हूँ उसका थोड़ा क्रेडिट इसको भी दूंगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है उसमें बहिराज ने मुझे प्रोत्साहित किया था कि तू ऑफिसर बन सकता है, तू एग्जाम दे, और एग्जाम देने की वजह से मैं आज इधर तक पहुंचा। क्रेडिट सीरियसली इंग्लिश का जो भी जाता है वो वडीराज को ही जाता है, और वडीराज और मतलब मेरी जो दोस्ती है उसमें बहुत मेरे मतलब भाभी से और इनसे बहुत एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग, और वो अपने जो सपने हैं वो मेरे साथ ऑलवेज डिस्कस किया करते हैं, और जैसे मैं उसके साथ कुछ पॉलिटिकल मेरे जो व्यूज है वो उसके साथ शेयर करता हूँ, वैसे वो मेरे साथ ये सब चीज़ शेयर करता था, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोस्त का आज ये लॉन्च हो रहे दो प्रोडक्शन हो, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और उनका ऐसे ही ये जो एजेंडा है वो आगे बढ़ता रहे, और कुछ भी कुछ सपोर्ट रहेगा वो हमारी तरफ से आपको ऑलवेज रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रोडक्शन में हमने दो बहुत ही सुंदर भक्ति गीत रिकॉर्ड किए हैं, एक है चलो अयोध्या जाएंगे जिसे मैंने गाने की कोशिश की है, और दूसरा गीत है प्रभु रामलला जिसे हमारे बहुत ही बेहतरीन गायिका कविता राम जी ने गाया है, और इसका रिकॉर्डिंग हुआ है मुंबई गोरेगांव के ग्रेविटी स्टूडियोज में। इन दोनों गीतों को वदिराज जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है और इसका संगीत दिया है नौजवान उभरते हुए और होनहार संगीतकार अमर देसाई जी ने, और मैं वदिराज जी और ज्योति जी को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ इन दोनों गीतों के म्यूजिक लॉन्च और रिलीज के अवसर पर। इन दोनों गीतों को रिकॉर्ड किया है, मिक्स किया है, मास्टर किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही अनुभवी बहुत ही सीनियर साउंड इंजीनियर हेमंत पारकर जी ने, और मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि इन गीतों को आप जरूर सुनें, इन गीतों को आप शेयर करें, और मुझे आशा है कि इन दोनों गीतों को सुनकर आप प्रेरित होंगे अयोध्या जाने के लिए और प्रभु राम जी का स्वागत करने के लिए। मैं फिर एक बार पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दोनों गीत दूर दूर तक पहुंचे, लाखों करोड़ों लोगों तक ये गीत पहुंचे, और आप सब की श्री प्रभु राम जी की जो भक्ति है वो इसी तरह बनी रहे, और प्रभु राम जी अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बनाए रखें। मैं वदिराज जी और ज्योति जी को इम्पा के साथ मिलकर श्री राम लला ड्रीमवर्क्स और प्रभु कुंज प्रोडक्शंस ये दो प्रोडक्शन हाउसेस के निर्माण के लिए और उनके नए यूट्यूब चैनल के लॉन्च के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके आने वाले सभी प्रयासों को सारे प्रोजेक्ट्स को प्रभु राम जी आशीर्वाद दें यही कामना करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। पूरा गाने में वो लय आ जाती है, ताल आ जाती है, तो हरदेव जी ने बहुत मार्गदर्शन किया मेरा और उन्होंने बहुत साथ दिया, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मिलकर के वो कहते हैं ना कि खाने में खाना तो बेहतरीन बनता है, वो थोड़ा सा नमक थोड़ा सा जायका जो हरदेव जी ने उसको और जायकेदार बना दिया और लज्जतदार बना दिया। धन्यवाद। प्लीज मैं हम प्रोग्राम की दूसरी तरफ जाता हूँ। दूसरा गाना जो है जी ने बहुत ही मधुरता से गाया है, जैसे आदरणीय सुधीर जी ने बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से गाया उन्होंने, बहुत ही मधुर आवाज है उनका, और उनको भी हेमंत जी ने अरेंज किया था, तो फिर से धन्यवाद हेमंत जी।
और हेमंत जी एक बहुत ही मुझे कहना पड़ेगा कि जैसे समंदर में लाइट हाउस से जो दिया आता है और जो नाविक होता है वो आता है किनारे की तरफ, वैसे हेमंत जी ने मुझे सहारा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय सुदेश जी से जो बाइक लेना था उनसे, तो उनसे वो भी उन्होंने मैनेज किया। सुदेश जी ने मुझे मैसेज भेजा था रात को कि मैं दे देता हूँ करके, लेकिन उन्होंने मैनेज करके सब दे दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है आप सबको पोस्टर पसंद आया। अब हम उसके लिरिकल वीडियो के लॉन्च की तरफ चलते हैं। हेमंत जी है, बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, ज्योति प्लीज कर, और आप भी आइए ना, अभी आइए। बहुत ही ऐसे कम घर है जहाँ पे मैं, जैसे हम जानते हैं कि रिश्तेदारों के घर जाते हैं, सबके घर जाते हैं, लेकिन भरत जी के घर पे हम, भरत भाई के घर पे हम हक से जाते हैं। रादर ये जो शूटिंग के वजह से रोज मुझे ये जो इसका एडिटिंग चल रहा था, म्यूजिक का काम चल रहा था, तो अंधेरी अमर जी के स्टूडियो से या जहाँ पे इसके लिरिकल वीडियो बन रहे थे कोशीवारा में, वहाँ से अगर बहुत देर होती तो मैं इनके घर पे जाके रहता था और अगले दिन वहाँ से तैयार होके मैं आ जाता था फिर स्टूडियो पे। तो हर सुख दुख में साथ रहे, तो भरत भाई को के लिए और भाभी सुशीला भाभी के लिए जोरदार तालियों। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो जोरदार तालियों के साथ संगीत है उसके पीछे की शक्ति जो है आपके सामने खड़ी, तो हम आशा करते हैं ऐसे ही वो प्रेरित करते रहेंगे अमर जी को संगीत देने के लिए, आगे भी सुंदर सुमधुर सुरीली संगीत देते रहेंगे। जोरदार तालियां। और उनकी सुपुत्री भी आई है तो उनको भी मैं बुलाना चाहता हूँ। फर्स्ट बुकिंग ऑन स्टेज आई थिंक सो। और जो प्लानिंग हुआ सुदेश जी के स्टूडियो में हेमंत जी के साथ हुआ, और मेन मोटो ये है कि श्री राम जी का बहुत बड़ा समारोह होने वाला है जो मंदिर का, तो ये हम लोग तीन महीने पहले से प्लान कर रहे हैं। तो जरूरत है, सबको आवाज आ रहा है ये गाने का जब प्लानिंग किया हम लोगों ने, तो सर हेमंत जी ने गजराज जी को इंट्रोड्यूस किया और हमने ग्रेविटी स्टूडियो में जब मीटिंग की तो पहले ये कहा गया कि ये भजन नहीं करेंगे, ये प्रॉपर जो फिल्म में सॉन्ग बजते हैं वैसे सॉन्ग करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा वॉइस सुरेश जी का हमको मिला हुआ, तो उसका वो वॉइस को हम जितना दूर लोगों के पास पहुँचा सकते हैं वो एक जरिया अपने को मिल चुका है। तो मित्र जी को मैंने बोला अभी ये ट्रैक जब बनेगा तो उसमें लाइव चीजें होंगी और कंपोजिशन क्या बनेगी, क्योंकि सुदेश जी का टेक्सचर अलग है, तो वो टेक्सचर के हिसाब से गाना लिखा गया, फिर उसको वैसे कंपोज किया गया। जब लाइव की बारी आई
तो पूरा मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ म्यूजिक म्यूजिक प्रोग्रामिंग करने के बाद उनको लगा कि नहीं ये सब चीज़ें लाइव ही होनी चाहिए। तो मैं वजीरा जी को बोला कि फ्लूट सितार संतोष जो भी चीज़ आती है तो उससे गाना ग्रैंड बनता है और ये सुनने में भी अच्छा लगेगा और हम लोग जिन लोगों को यानी बोलते ना एक ऑडियंस होता है ऑडियंस कैप्चरिंग होता है वो ऑडियंस कैप्चर इसी होगा वो गाने ग्रैंड बनाएंगे उसको अच्छा म्यूजिक करेंगे और ऑब्वियसली हेमंत जी के हाथ में गाने हैं तो बहुत साल का एक्सपीरियंस है जितने भी आशिकी से लेके गाने हम लोग जो सुन रहे हैं वो हेमंत जी ने मिक्स किए हुए टेक्नीशियन है तो हम अपना पोटेंशियल कितना दे सकते हैं और उसको जजमेंट इन्होंने किया है पूरा जजमेंट जो देने का काम है वो हेमंत जी का तो जितना हम भरेंगे गाना उससे भरना काफ़ी नहीं है उसको अच्छे से मिक्स करके साउंडिंग गुड पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा वो इनके कान ये बोलते हैं ना एक्सपीरियंस कान है तो इनकी वजह से हमको एक अच्छा लग रहा था कि एक सपोर्ट है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम की कुछ गलत हो गया कुछ कम हो गया ज़्यादा हो गया ये पूरा संभाल लेंगे और डेफिनेटली इन्होंने दोनों गाने में तीनों गाने में संभाल लिया। दूसरा सिंगर के साथ हम लोग जब बात करते हैं तो डायरेक्टली भी बात नहीं कर सकते क्योंकि सिंगर के मूड होते हैं कुछ एक प्रोटोकॉल होता है तो हेमंत जी के थ्रू जाने के बाद वो प्रोटोकॉल आसान हो गया बराबर ना वो प्रोटोकॉल क्यों क्योंकि डायरेक्ट कोई आर्टिस्ट के साथ हम बात भी करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता कि पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है तो हेमंत जी को बोल दिया है कि सर को ये समझाना है और सर इतने कम्फर्टेबल है कि जो गाना उन्होंने देखा और पहले डेमो गया था उनको तो डेमो सुन के बहुत खुश हो गए तो बोले प्रॉपर है एक दिन का हम लोग टाइम लेते मैं सुन लूँगा और गाना गाऊँगा। जब गाना गाने आए सर तो वो गाने का हमने जो फील किया था कि डेमो करने के टाइम उससे 90% ऑफ यानी 100% के ऊपर गए हो वो जरा जी हमें हम लोग एक्साइटेड पहले से हो गए थे कि ये गाना बहुत ऊपर जाएगा। दूसरा कविता राम जी का जब नाम आया तो सर को मैंने बोला कि कविता जी से आप बात कर लो हम लोग प्रॉपर डेमो करके ही सिंगर को अप्रोच करते हैं तो जब डेमो बनाया गया और सर ने उनको सुनाया तो उनको पसंद आया और वर्डिंग्स कैसे होते कि हमको अपना सब्जेक्ट लोगों को पहुँचाना है तो सब्जेक्ट के टाइम पे जो भी वर्ड्स आते हैं कि ये थोड़ा करेक्शन होना चाहिए ये थोड़ा करेक्शन होना चाहिए तो डबिंग के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का करेक्शन करके हमने वो गाना जितना पब्लिकली हिट हो जाए वो कोशिश की है। अभी ये कोशिश सबको पसंद आए और हमारा गाना हिट हो जाए ये आशा करता हूँ। अमर जी का साथ इतना रहा कि रोज सवेरे सवेरे मतलब शायद दोपहर को 12:30 बजे में स्टूडियो में पहुंच जाता था 1 बजे पहुंच जाता था और शायद जितनी चाय अमर जी ने जिंदगी में नहीं पी है उतनी मैंने 2.5 महीने में पी ली है उनके पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। हेमंत जी ने तो साथ दिया हर तरीके से कैची चला चला के उन्होंने वो बजट को भी मेरे पास पहुंचा दिया। अमर जी ने उसके 4 चांद लगा दिए गायकों ने उस उन गानों को आसमान के ऊपर लेके गए तारों के बीच में। आप प्रभु की इच्छा रहेगी आशीर्वाद रहेगा तो उसे आगे लेके जाएंगे तीनों लोकों में। तो हम चाहते हैं कि अब जो भी यहाँ पे हमारे पहचान के लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं कलीग है फैमिली है उनको बुला के उनको बुके देके उनको हम अभिनंदन करें और उसके बाद कार्यक्रम का समापन करेंगे। उसके बाद जो चैनल्स है यूट्यूबर चैनल्स वगैरह है जो मीडिया के लोग है उनको हम माइक्स देंगे जो आगे चल के वो वीडियो चैनल्स पे प्रचलित कर सकते हैं ठीक है ताकि अगर किसी को कहीं जाना है तो वहां से बाहर। अच्छा बाहर हमने स्नैक बॉक्सेस का बंदोबस्त किया है चूंकि ये थिएटर है तो यहाँ पे अंदर वर्जित है तो बाहर से हम वहां पे स्नैक्स लेके चाय पान का स्वाद उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी को बुला के उनको उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ और आगे बाद में पूर्णतः समापन के पहले सब लोग अगर स्टेज पे आ जाए जो लोग यहाँ पे फैमिली फ्रेंड जो एकत्रित है तो एक अच्छी यादगार रहेगी। हाँ और उसके बाद बिल्कुल समापन के पहले हमारा एक प्रोग्राम है कि हमने आज एक मेरे जो एक बहुत ही करीब के व्यक्ति है प्रवीण सोनवालकर जी, प्रवीण जी आइए यहाँ पे प्लीज। तो उनके सुपुत्र यहाँ पे तो उनके सुपुत्र बोलवाना चाहिए तुमसे मुलाकात।
तो हाँ वो मैं कहना चाहता था लेकिन वो ये रह गया, तो बोलने वाला था चल के। तो ये जो छोटे से दिखते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया गाते हैं, उनके लिए तालियों से उनका स्वागत किया जाता है। वो दो गाने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक ठुमक चलत रामचंद्र और दूसरा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये दोनों गाने प्रस्तुत करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये थिएटर है, यहाँ पे स्टैंड वाला माइक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा तो बोले नहीं कुछ भी है, प्रभु के चरणों में हम एडजस्ट करेंगे और मेरे सुपुत्र गाना गाएंगे। उन्होंने गाना भी रिकॉर्ड किया है, मैं निवेदन करता हूँ प्रवीण जी से कि वो बताए कि गाना कौन सा रिकॉर्ड। नमस्कार, आज का जो जो के आयोजन के है, मुझे लगा कि अभी हम लोग अयोध्या में पहुंच गए। तो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत बढ़िया था और इसको काफी आगे हम लोग, जैसे सर ने बोला कि हर भारतीय के मुख में जो गाने दो है वो 100% आने वाले हैं। तो जो रिकॉर्ड गाना हुआ था मैं उनको बताऊंगा कि अपन जी के लो। तो फिर नमस्कार, मराठीत बोलो सारे सारे ना। तर देवांश क्रिएशन नावाचं यूट्यूबचा आम्ही एक अल्बम लॉन्च केलेला गेल्या वर्षी, ज्याच्यावरती मी माझा मामा आणि अशी संपूर्ण टीम इथेच रेकॉर्डिंग झालेलं ते समोर स्टुडिओ। तर माझी अशी आशा आहे की तुम्ही सगळ्यांनी ते गाणं ऐकावं आणि आवडलं तर शेअर करू द्या, आवडेल नक्कीच आहे। गाण्याचे बोल देवांश क्रिएशन हे यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे, गणपतीचं गाणं होतं तर मी त्यांना पाठवीन। मैं तो ये कहूँगा कि बडीराज जी ने जो ये प्रोडक्शन हाउसेस जो लॉन्च किए हुए प्लस उनका जो गाना लॉन्च हुआ है, ये जो दो और एक चैंटिंग, वो एकदम सही समय पे लॉन्च किया गया है, क्योंकि आज से ही प्रांत प्रतिष्ठान की शुरुआत हो गई है और 22 को शायद से वो मतलब उस ख़त्म हो गया और वहाँ से दर्शन चालू हो गए। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व के लिए ऐसे ऐसे सॉन्ग्स आना बहुत ज़रूरी है और हिंदुत्व का बढ़ावा देने वाले भी लोगों की ज़रूरत है, जैसे वडीराज जी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे और भी लोगों ने ये सब करके अपने हिंदुत्व का जो परचम है वो पूरी दुनिया में लहराना चाहिए। मैं वडीराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसा एक हिंदुत्व पे जो सॉन्ग उन्होंने लॉन्च किए। तो इस संसार में पहले तो कुछ भगवान प्रभु के नाम लेंगे। जी जी। वक्त तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। जीवन में संसार में देखा जाए तो हर आदमी अपने अपने कारण कारण आचार विचार और व्यवहार से, जैसे जिसका आचार और विचार और व्यवहार रहता है, इसलिए कहा गया जैसे आपका विचार वैसे ही आपका स्वभाव, आपके विचार से आपके स्वभाव से ही आपको सारे सुख सारे साधन प्राप्त होता है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सुखी है तो प्राणी कौन सी सुखी है उसके बारे में हम थोड़ा सा दो शब्द बोलेंगे कहेंगे। और जो राज सर ने भाई साहब ने किया है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत दिव्य, हमारे इनका बहुत पहले से जान पहचान है, बहुत मुलाकात है और जो बात करते हैं उनकी वाणी में बड़ा ओजस्व है, बहुत सरलता है, बहुत सहज है। तो संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। जो ईश्वर परमात्मा के शरण में रहता है, सदा सर्वदा भक्ति और चिंतन और मनन करता है, उसी का मेधा शक्ति प्रभाव साली रहता है। राज सर के माध्यम से आप लोग को जो जोड़ रहे हैं, वसुधैव कुटुंब परिवार को जोड़ रहे हैं, जो सनातन धर्मों को एक ऊर्जा एक शक्ति एनर्जी देने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी ऊर्जा को इनकी शक्ति को इनको ऊर्जावान बनाओ, जाते समय भी इनको ऐसा वाणी से संबोधित करो कि इनके अंदर और बीता एक अलग सा एक आवरण बने, एक स्वरूप बने, आगे चल करके एक अच्छा और सा भजन और कुछ अच्छे अच्छे सत्संग इनके वाणी से धारा प्रवाह हो। संसार में सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ा जो साधन है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा दुखी हैं, आरोग्यता के कारण स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो जीवन में स्वास्थ्य तभी अच्छा हो सकता है जब ईश्वर परमात्मा आपके साथ में रहेंगे, चलते फिरते उड़ते बैठते हर समय प्रभु का छवि दिखाई दे
और जो मैंने अभी गाना जो भजन सुना इनकी वाणी से और भाई साहब की वाणी से, ऐसा मुझे लग रहा था कि हर चौराहे पर हर चौक पे भगवा का रंग बिरखना मतलब दिखना चाहिए। तो ऐसा जो है ओजस्व हो, ऐसा जो है वाह हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनके लिए कुछ बोलने का हमारे इतने शब्द नहीं है, लेकिन जितना हो सका मतलब जो शब्द बन पा रहे हैं मैं बोल पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ। भगवान इनको और अच्छा ऊर्जावान बनाए, इनको एनर्जी से युक्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाँच सौ साल के बाद जो चीज़ गलत हो गई थी उस चीज़ को मुख्य धारा में लाने के लिए, फिर से जागृत करने के लिए, फिर से जीवित करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। अगर हम राजनीति को बाजू में रखें तो जिस किसी ने भी जो कार्य किया है इस प्रभु राम जी के भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना के लिए और जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हैं हम खुद को। मैं समझता हूँ कि सभी लोग जो हम जानते हैं प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हम जानते सुनते हैं उनके बारे में, तो उनका जो मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पे उसके कई पहलू है। एक तो भक्ति की जो आस्था की जो एक नदी बहने लगेगी, फिर से प्रवाहित होने लगेगी। दूसरी जो है कि प्रभु राम हरदम सबके लिए आदर्श रहे हैं और उनके बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनके भजन सुनते आ रहे हैं, उनके जीवनी सार के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, उनकी दिव्यता के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खुद को सौभाग्यपूर्ण समझते हैं कि हम इस युग में है जब यह मंदिर फिर से जागृत हो रहा है। जय श्री राम। और यह हमारा सौभाग्य है, तो हम ऐसे सुवर्ण काल में है जब यह मंदिर फिर से प्राण प्रतिष्ठा होकर फिर से उसका उद्घाटन होने जा रहा है महानुभवों द्वारा। और रही बात गाने की, वैसे तो बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, मैं अंग्रेज़ी में बुक लिख रहा हूँ अयोध्या पर, अयोध्या डिवाइन किंगडम ऑफ प्रभु राम। तो लिखते लिखते क्या हुआ कि एक दिन रात को इसे 2:30 बजे उठा दिया, मैं गाना लिखना चाहता हूँ। तो 2:30 बजे बोली क्या करोगे गाना लिख के, तुम तो बुक लिख रहे थे। तो मैंने कहा उसको नहीं मैं गाना लिखना चाहता हूँ, तो बोली लिखो। 3:30 बजे उठाया, 4 पंक्तियाँ सुनाई। 4:30 बजे उठाया, 4 पंक्तियाँ सुनी। बोली अब बाकी के कल सवेरे सुना दो, अब सोती हूँ। तो ऐसे करते करते 2 गाने लिखे। उसके बाद ढूंढने लगा कि किससे गवाऊँ। तो बेसिकली मेरा फोकस तो बुक पे ही था। अच्छा, चूँकि ये बुक अंग्रेज़ी में है, वो कॉफ़ी टेबल बुक है अयोध्या पर, और ये जो गाने हैं वो मैंने हिंदी में लिखे। मैं समझता हूँ कि मेरा प्रभुत्व है अंग्रेज़ी हिंदी मराठी में, और मैं खुद बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ महाराष्ट्र में, लेकिन मैं हूँ कर्नाटक से। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब आप सोचेंगे कि मेरी हिंदी ऐसी है तो अंग्रेज़ी में किताब लिख रहा हूँ, मराठी तर तुम्ही ऐकले मला मी मराठी बोलू शकतो प्रश्नच नाही, तर तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता था कि मैं तीनों भाषाओं में, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है सदा रहेगी, भारत देश हिंदी, और अंग्रेज़ी तो यूनिवर्सल है क्योंकि भारत के सीमाओं के बाहर हम अंग्रेज़ी को ही इस्तेमाल करके आगे पहुंच पाते। तीनों भाषाओं में मैं चाहता हूं कि वैश्विक स्तर पे कहीं ना कहीं मैं अपना योगदान देता रहूं, और प्रभु राम से बड़ा कोई नाम नहीं। तो गाने लिखे, हेमंत जी ने मुझे सहकार्य किया, आदरणीय सुधीर जी के पास पहुंच गया, गाने हो गए, अमर जी मिले हेमंत जी के थ्रू, गाने होते गए। एक गाना था, फिर अगला शौक लगा इसको, मैं बोला दूसरा गाना लिख रहा हूं। बोले रुको, अब फाइनेंस कहाँ से लाओगे। मैं बोला ठीक है, एक काम करेंगे, हम कुछ तो करेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे किताब के पन्ने जो थे 150 पन्नों की किताब को मैंने 110 पे ला दिया, बजट को वहाँ मैंने घुमा दिया गानों में। गाना है क्लासेस के लिए, गाना कॉफ़ी टेबल बुक है, महंगा है। गाना है नहीं, जो पुस्तक है वो क्लासेस के लिए, गाना जो है मासिस के लिए। गाना लोग सुनेंगे, प्रभावित हो जाएंगे, मेरा नाम याद रखे ना रखे प्रभु राम के नाम से याद करेंगे, गाएंगे, गुण गाएंगे प्रभु राम के।
तो उसने कहा हाँ, तो ये मेरी फाइनेंसर भी है, बजट एलोकेट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद उसने मुझे कहा अंकुश रखिए, गाना मत कीजिए। तो मैं बोला और दो गाने करूँगा। तो आपको ये बताने में खुशी है कि जल्दी ही दो गाने और लॉन्च होंगे अगले महीने के अंदर, फरवरी के अंत तक। और चूंकि महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, तो भारतीय तो हूँ ही, लेकिन एक एक जो है मैं गाना मराठी में भी लिख रहा हूँ। चलो अयोध्या जाएंगे का मराठी जो ट्रांसलेशन रहेगा, चला अयोध्या जाऊया, वो भी मैं करवा रहा हूँ, वो भी करवाऊँगा। तो धन्यवाद आप सब आए, मेरे जो परिवारगण के लोग हैं, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो कलीग्स हैं जहाँ काम करता है, मेरे वाइफ के कलीग्स से, बाकी के जो सामाजिक स्तर पे मेरे जो पहचान के लोग हैं, सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अब मैं निवेदन करूँगा ज्योति से कि वो दो शब्द कहे। बोलिए मैम। लॉन्चिंग हुआ चैनल भी लॉन्च हुआ और गाड़ी का भी लॉन्चिंग। जी जी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि हम इन्होंने जो प्रोडक्शन हाउस ओपन किया उनके बैनर के अंडर, उन्हीं के दो गाने जो आज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि अयोध्या राम मंदिर और अयोध्या के ऊपर ये जो गाने बने हैं, एक प्रभु रामलला के ऊपर एक गाना बना है, और सुदेश भोसले जी ने और कविता राम जी ने बहुत ही खूबसूरती से उसे गाया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री अमर जी का भी कि उन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया है उसे, और हेमंत जी जो है, जो उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल, थैंक यू। और मैं इसे आगे अगर मैं मेरा मेरे दो शब्द समाप्त करने के पहले अगर कहूँ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका चैनल जहाँ जहाँ जाएगा, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस गाने का प्रचार प्रसार में मेरी मदद कीजिए। गाने अच्छे बने, मैं चाहता था कि एक गाना बने, सुदेश जी ने जो गाना गाया उसमें पता नहीं मुझे आपको लगा क्या, मुझे तो किशोर जी का एक झलक सुनाई दे रहा था, और सुदेश जी ने बाद में जो डायलॉग कहा है वो भी बहुत बढ़िया कहा है। तो एक मैं चाहता था कि सुदेश जी भजन न गाए, गाना गाए, तो गाना के हिसाब से म्यूज़िक दिया गया, गाने के बोल लिखे गए और एक भजन था। और आगे जो मेरा गाना आएगा वो एक गर्जना रहेगी, प्रखर हिंदुत्ववादी गर्जना वाला एक ये रहेगा। लेकिन सब जो कहते हैं कि एक प्रधान एक विधान एक निशान, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वधिराज जी का मुझे 2 महीने पहले फ़ोन आया था कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, और उसके लक्ष्मी बुक के साथ में कोई गाना भी अगर हम बनाए तो उसे और भी लॉन्च करेंगे अब बुक, तभी और भी कुछ अच्छा होगा। तो बोल रहे कि मुझे सुदेश जी से गवाना है, तो कि क्या होगा कैसे होगा। बोला आप राम जी के लिए कर रहे हैं और सुदेश जी को गवाना है, तो फिर मुझे बोलते हमारा बजट ये है वो है। बोला ठीक है, हो जाएगा, राम जी अगर चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे करके फिर हमने सुदेश जी से डब करवा लिया, सुदेश जी ने बहुत अच्छा गाया। उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद फिर बोलते कि और एक गाना करना है, तो कोई फीमेल सिंगर से। बोला ठीक है, वो भी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उनसे फीमेल सिंगर का भी गाना हो गया, और मतलब अच्छी तरह से दोनों गाने में हमारे तरफ से राम जी की कृपा से, हमारे तरफ से जितने हम कोशिश करें कि अच्छा करने का, वो हमने प्रयास किया हुआ है, और ये आपको सब कुछ बहुत ही पसंद आएगा। नमस्कार, मेरा नाम अमर प्रभाकर देसाई है। ये जब म्यूजिक हमने डिस्कस किया सुदेश जी के स्टूडियो में, हेमंत जी ने बताया ऐसा ऐसा है, तो सब शब्द जैसे बिखरे हुए थे कि ये शब्दों को हम लोग, यानी गद्य पद्य जो होता है हमारा जो म्यूजिकल लैंग्वेज, तो उसको कैसे शेप किया जाए। तो हमने इसके ऊपर पहले म्यूजिक का करने के पहले हम गाने के शेपिंग में आ गए कि भाई राम जी की इतनी कीर्ति है, इतना बड़ा नाम और अपना अध्यात्म पूरा जुड़ा हुआ है, तो हर एक वर्ड कितना प्रॉपर हो और वो मीनिंगफुल हो, उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ। फिर कंपोजिशन में आए, फिर कंपोज करने के बाद सुदेश जी का वॉइस टेक्स्चर, सुदेश जी की स्टाइल, वो बहुत संभालनी पड़ती है। तो वो संभालने के बाद अभी राम जी खुद चाहते हैं कि हमारा गाना उनसे, यानी हम करें,
सेवा करें। तो हमने अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेवा की है ऐसे हमको लगता है। बाकी अभी पब्लिक को कैसा गाना लगता है, वो कैसे सुनते हैं, अभी जस्ट मैं देख रहा था आधे घंटे में 118 व्यू आई है, यानी लोगों को पसंद आ रहा है गाना। और एक ये भी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने अभी हम लोग अपलोड कर दिए तब पता चला कि कम से कम 1 मिलियन तीन लाख लोगों ने गाने डाले हुए हैं राम जी के ऊपर। तो उसमें हमारी भी एक कोशिश है, तो आप सब लोगों को ये गाना पसंद आए और हमको आशीर्वाद दो और हमारे गाने को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे हमको एक प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। पर ये हो रहा है जी सर, बोलिए। वाणीराज जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और ये एक ऐसे समय पर हो रहा है जैसे लग रहा है आज कलयुग के बीच में त्रेता का आगमन हो गया है। तो ये राम जी के बारे में तो भाई उनको क्या बोलना, बोल तो राम राज्य जो है आज तक न कभी हुआ है न फिर कभी हुआ, भूतो न भविष्यति उसके दूसरा नहीं कोई हुआ राम राज्य। और सबसे आदर्श समाज की स्थापना जो कहा जाता है जिसके अभी कल्पना आदमी नहीं कर पाता है उतना है। आज ये कहा जा रहा है कि केवल उनके पूरे राज्य में केवल दो ही केस हुए थे, आजकल सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, एक फौजदारी का और एक दीवानी का। दीवानी में जो है एक कौवा और गिद्ध का आया था कि घोसला जो है वो लोग अपना अपना बता रहे थे कि मेरा है मेरा है, और उसका भी फैसला हो गया। तो ये स्थिति कि जहाँ पर एक पक्षियों में भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो ये कितनी
उत्कृष्ट बात है, कितनी उत्कृष्ट बात है, पक्षियों में भी मनुष्य तो दूर की बात, और नैतिकता इतनी रही कि इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। नैतिकता कभी चरम थी, एक दुश्मनी होती थी वहाँ पर भी एक मर्यादा रखी जाती थी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और हम चाहते हैं भजन तो बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा, और ये मतलब हृदय खिल जा रहा इस भजन को सुन करके, और लगता है कि दरअसल एक भावना जो है वो मारा, और आज कण कण में जो है लगता है कि एक सजीवता आ गई है, कण जो है वो भी सजीव हो चुका है इस स्थिति में, भावना से ओतप्रोत वो भी हो गया है। तो आज क्या जड़ क्या चेतन सब जो है जागृत हो चुके हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये घड़ी आई है, ये घड़ी जो है किसी के किए से नहीं आई है, ये अनायास आई है। इस समय बहुत प्रयास हो गया, आज तक नहीं कुछ हुआ, लेकिन अनायास आ जाया है ये स्थिति, और ये भविष्य में भी बहुत कुछ होने वाला है। इसका मतलब कि भारत जो है आज उठ गया, उत्तिष्ठ हो गया है, तो इसलिए ये हमारे लोगों के लिए बहुत गर्व का समय है, और आज विकास विकसित देश में आज भारत आ जाएगा, ये भी है। अब जितना ये है इसके कण कण जागृत हो गया है, तो विकसित देश हो जाएगा बहुत जल्द ही। सर लिरिक्स कैसे लगे जो सर ने लिखे हैं, जो इसके शब्दावली है, क्या कहने क्या कहने, गीतकार और संगीतकार दोनों जो हैं संगीत किसका रहा, लेकिन गीत तो जो है, खैर ये कहा जाता था कि पुराने जो गीत हम देखते हैं वो बहुत ही भावनात्मक होते थे, लेकिन आज जो है उसी तरह से ये गीत बना, और इसके लिए हृदय खेल गया सुन करके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसकी क्या प्रशंसा की जाए। धन्यवाद। तो म्यूज़िक रिलीज़ का जो प्रोग्राम हो गया बहुत अच्छा हो गया। मेरी भी सौभाग्यवती है, वो ज्योति जी के दफ्तर में काम करती हैं, उसके कारण मेरी और इनकी जान पहचान हो गई थी बीच में। काफ़ी दफ़ा वो हमारे यहाँ घर पे आके गए, और काफ़ी मिलनसार लोग हैं, अच्छे लगे, इसके लिए हमारा स्नेह बढ़ गया, और इसके लिए उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये नया जो लॉन्च हुआ है म्यूज़िक, उसके लिए मैं बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदर्शित करूंगा, बहुत अच्छा इसका हिट हो जाएगा, गाने हिट होंगे, ऐसी तो मुझे बहुत ही लगती है कि भाई बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली ये अच्छा प्रदर्शित होगा। प्रयास काफ़ी अच्छा है, श्योरली ये मतलब बहुत पहली बार उन्होंने ऐसा किया और इतना अच्छा ये प्रोग्राम किया, तो अच्छा ही है, अच्छा होगा, गाना हिट होगा, कोई बात नहीं। थैंक यू चलिए सर, थैंक यू। मिला? वो मिला। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जी एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। ये गानों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चलो अयोध्या जाएंगे। अदानी कमेंट भी करो। सुदेश जी ने गाया है, प्रभु राम लल्ला कविता राम जी ने गाया है, और जो चैंट है हमारा जय श्री राम का ट्रेडिशनल चैंट, इस सभी को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस गाने को ऊंचाइयों तक ले जाए, प्रभु राम के चरणों में हमारा अर्पित किया हुआ गाने को। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।